बड़ी खबर यूपी के मथुरा से आ रही है, जहां पर हादसा हुआ है जिसमें दो लोगों की मौत हो गई है। दरअसल कृष्णा विहार इलाके में पानी की टंकी गिरी है, जिसके चलते यह हादसा हुआ। कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। राहत और बचाव का कार्य लगातार वहां पर हो रहा है और अभी भी कई लोग मलबे में दबे हैं, इसकी आशंका जाहिर की जा रही है, जिसको लेकर यहाँ राहत बचाव कार्य जोरों पर है। बड़ी खबर इस वक्त की मथुरा में, जहां पर पानी की टंकी गिरने की वजह से यह हादसा हुआ। कृष्णा विहार इलाके का मामला है, तस्वीरें भी आपके सामने हैं। पानी की टंकी अचानक से गिर पड़ी, जिसकी वजह से दो लोगों की जान चली गई इस हादसे में और 13 लोग जो इस हादसे की जद में आए वो घायल हो गए हैं। कृष्णा विहार इलाके में ये पानी की टंकी जो अचानक से गिर पड़ी, अब इसकी वजह क्या है, क्या बहुत पुरानी थी, मरम्मत की जरूरत थी, जिसे लेकर सही समय पर मरम्मत ना हो पाने की वजह से ये हुआ, फिलहाल सवाल। लेकिन तस्वीरें आप देखिए किस तरह से वहां पर इस आशंका को लेकर कि कई लोग दबे हो सकते हैं मलबे में, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस पर हमारे साथ मथुरा से रिपोर्टर अनिल सारस्वत हमारे साथ जुड़ गए हैं, इनसे जानकारी लेते हैं। अनिल, तस्वीरें देख रहे हैं हम, किस तरह से ये हादसा हुआ, क्या जानकारी मिल रही है और दो लोगों की मौत भी हो गई है इसमें? जी, मैं आपको बता दूं, ये थाना कोतवाली, जो शहर कोतवाली है उसके क्षेत्र अंतर्गत ये पूरा मामला हुआ है, जहां पानी की टंकी भरभरा कर गिरी है। ये लगभग दो साल पहले इस पानी की टंकी का निर्माण कराया गया था और इसमें अभी तक दो लोगों की कैजुअल्टी हुई है। कैजुअल्टी जो जिलाधिकारी ने इस समय तक जो घोषित की है, वो दो लोगों की मौत यहाँ पर घोषित की गई है, जो इस मलबे में दबने के बाद मरे हैं। और टोटल यहाँ पर 13 लोग घायल हुए थे, जिसमें से दो लोगों की मौत हो गई है और एक को यहाँ से रेफर कर दिया गया और 10 लोग यहाँ पर जिला अस्पताल मथुरा में यहाँ पर उनका इलाज चल रहा है। हमारे साथ वो मृतक के परिजन भी हैं जिनके यहाँ से मौत हुई है। जी, क्या नाम है आपका? जी, दिनेश नाम है सर मेरा। दिनेश, बताइए क्या था पूरा मामला? मामला ये था सर, वो टंकी जो है ना पानी की, वो पहले ही 2-3 बार लीक हो चुकी थी, तो उस पर किसी कोई निर्माण का कोई काम नहीं हुआ। थोड़ी बहुत फूटती थी, वहीं से थोड़ा बहुत काम कर देते थे वो। आज वो पूरी जो है एक तरीके से बहुत भयंकर तरीके से फटी थी, जिसमें की पूरा आधा सा घर नीचे दब गया, जिसमें मलबे मेरी घरवाली दबकर खत्म हो गई। मेरी 3 साल की एक बेटी है, 8 साल का बेटा है। मुझे ये बताइएगा कि लोग कह रहे हैं कि पहले से ही कई बार लीकेज की दिक्कत थी, लोगों ने उस समस्या को देखा था, लेकिन क्या कभी शिकायत नहीं की गई और प्रशासन से आपकी बात हुई है? जी सीरिन, इसकी शिकायत आप लोगों ने कहीं की थी? शिकायत की थी इसकी काफी, जब टंकी बनी थी पहले दिन से ही, जब टंकी बन के तैयार हुई थी पहले दिन से ही उसमें लीकेज थी। कई बार इसकी शिकायत की गई, जल निगम में की गई, जिलाधिकारी महोदय को की गई, लेकिन कोई सुनवाई किसी प्रकार की हुई नहीं। जिस दिन ये टंकी बनी थी उसी दिन इसमें टेस्टिंग की गई, उसी दिन इसमें घरों में पानी गिरने लगा। और जब घर बने हुए हैं पार्क में, उनके घर के ऊपर इतनी बड़ी टंकी, उत्तर प्रदेश की दूसरे नंबर की इतनी बड़ी टंकी, 35 करोड़ की लागत से बनी हुई टंकी, और 2 साल भी नहीं चली। इतना भ्रष्टाचार हुआ है इसमें, पार्षद से लेके अधिकारियों, इंजीनियर। जी सीरिन, मैं आपको बता दूं, ये जब इसकी टेस्टिंग हुई थी तब भी, इसकी टेस्टिंग के बाद भी इस टंकी में से, इसमें से पानी लीक हुआ था और इसकी शिकायत भी जल निगम के अधिकारियों से की थी। हमारे साथ इस समय कांग्रेस के जिलाध्यक्ष भी हैं और हम उनसे भी बात करेंगे। जी बताइए क्या था पूरा मामला? ये कृष्णा विहार पड़ता है जहाँ मथुरा में, कोतवाली क्षेत्र में, जनपद मथुरा में। मात्र 2 साल पहले जो टंकी बनी, लगभग आपको मालूम है, बताई दिया आपको, लगभग 40 करोड़ रुपए से बनी, लेकिन उससे जिस दिन से बनी उसी दिन से लीकेज शुरू हो गया। मैंने भी जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष होने के नाते जिलाधिकारी और योगी सरकार को लिखित में हैरान करती है बात की है कि 2 साल पहले ये टंकी बनी है, लोगों ने पहले इस बात की जानकारी दी थी कि इसमें लीकेज था, लेकिन बावजूद इसके इस पर ध्यान नहीं दिया गया और हादसा हो गया है, दो लोगों की जान यहाँ पर चली गई है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।